यूपी के जालौन के कौस सर्किल क्षेत्र में बीते चार दिन पहले रहस्यमय तरीके से गायब हुए 19 वर्षीय युवक सुनील का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं मामले से जुड़े तीन आरोपियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने घटना में प्रयोग करने वाला गमछा तथा एक वैगनआर कार भी बरामद की है। विवरण के अनुसार मामला कौच कोतवाली क्षेत्र के बसोप ग्राम का बताया जा रहा है, जहां बीते चार दिन पहले सुनील नामक 19 वर्षीय युवक डीजे की धुनों में नाचने के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, जिसका अनावरण कौच कोतवाली पुलिस के तक प्रयासों से कम समय में ही कर लिया गया। मृतक सुनील की लाश मिल जाने से उसके परिजनों के बीच कोहराम मच गया। जालौन से संवाददाता अली जावेद की रिपोर्ट। कौच कोतवाली क्षेत्र में एक अपहरण की हत्या हुई थी, पुलिस ने उसको क्या देखिए ये मुकदमा जो है 46/2022 थाना कौच में लिखा गया था, 364 के अंतर्गत लिखा गया था, जिसमें रविंदर और बबलू नामजद व्यक्ति थे। इनके द्वारा इनके ऊपर में आरोप लगाया गया था कि इन्होंने जो इनका साथी सुनील है उसको कहीं गायब कर दिया गया, और इसी पे जब तफ्तीश की गई, पूछताछ की गई और जानकारी इकट्ठा किया गया, तो इसमें पता ये चला कि रविंदर और बबलू के साथी, उनका एक अन्य साथी जो है पंकज है, इन तीनों लोगों ने रात्रि में डीजे के बाद में सुनील की गला दबाकर हत्या कर दी और उसकी बॉडी जो है झांसी जिले में ले जा अपने वैगनआर से ले जाकर दंप कर दी। इनकी निशानदेही पे बॉडी को भी रिकवर कर लिया गया है। तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। धारा 364 के अलावा 302, 201 और 334 ICC की बढ़ोतरी भी की गई है और अग्रिम भी कार्रवाई की जा रही है।